अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी मुल्क की हिफाजत में उसकी फौज बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। चाहे वो मुल्क की हिफाजत हो या जंग का मामला, फौज ही मुल्क का दिफा करती है। लेकिन क्या हो कि दुश्मन मुल्क में बहरूपिये की शक्ल में घुस के मुल्क के अंदर दंगे फसाद शुरू कर दे। इन हालात से मुकाबला करने के लिए बनाए जाते हैं खुफिया इदारे, जो कि मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं और दुश्मन की साजिशों का पर्दाफाश करते हैं। अमरीका की CIA, FBI और बरतानिया की MI6 की तरह पाकिस्तान में भी खुफिया इदारे मौजूद हैं, जो कि मुल्क के गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों का पर्दाफाश करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की 5 खुफिया एजेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5 पे है FIA। दोस्तों, FIA की फुल फॉर्म फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। दोस्तों, पाकिस्तान में FIA का कायम 1975 में हुआ। FIA के DG बशीर मेमन है, जो कि ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। इस एजेंसी के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज को क्लासिफाइड रखा जाता है। शुरू में जब FIA को बनाया गया था तो उसका मकसद मुल्क में हो रही करप्शन को रोकना, व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। लेकिन कुछ ही अर्से बाद इस इदारे को बहुत वसी कर दिया गया। इसके अलावा FIA इंसानों की स्मगलिंग को भी रोकता है और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा ये इदारा टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी रोकता है। ये पाकिस्तान का वाहिद इतना बड़ा इदारा है जो कि साइबर सिक्योरिटी को भी रोकता है। ये सीक्रेट एजेंसी वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 4 पे है CTD, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। 1995 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने इसे बनाया था। शुरू में ये एक बहुत ही छोटा सा ऑपरेशनल यूनिट था, लेकिन अब ये बहुत ही डेवलप्ड डिपार्टमेंट बन चुका है। CTD के रीजनल ऑफिसेस पूरे पंजाब में हैं और 21 जुलाई 2010 को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID को CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। इस इदारे का काम मुल्क में हो रही किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को ट्रेस करना और उससे फाइट करना है। ये पाकिस्तान का एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट है, जिसमें काम कर रहे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग को सीक्रेट और जदीद तरीकों से ट्रेनिंग दी जाती है। इस डिपार्टमेंट का मेन मकसद टेररिज्म से जुड़ी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को हासिल करना और मुल्क भर से दहशतगर्दी को रोकना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 3 पे है MI। दोस्तों, MI की फुल फॉर्म मिलिट्री इंटेलिजेंस है। ये डिपार्टमेंट पाकिस्तान आर्मी का खुफिया इदारा है और इस इदारे का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है और इस इदारे को 1948 में बनाया गया था। सैयद आसिम मुनीर इस इदारे के डायरेक्टर जनरल हैं। ये पाकिस्तान की वाहिद सीक्रेट एजेंसी है जिसके एम्प्लॉय यूनिफॉर्म में रहते हैं। ये डिपार्टमेंट रियासत के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए बहुत ही मुनज्जम तौर पर तैयार रहता है। MI इस वक्त पाकिस्तान की तीनों आर्मी फोर्सेज, एयरफोर्स, नेवी और लैंड आर्मी के लिए काम करती है। इसके अलावा ये इदारा फौज की जासूसी की तहकीकात समेत पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की एजेंट्स और स्लीपर सेल्स की शनाख्त करके उनको खत्म करने के लिए मुबैना तौर पर काम करती है। नंबर 2 पे है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों, ये एजेंसी पाकिस्तान की एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है और तो और ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, जिसे 17 अगस्त 1947 में बनाया गया था। इस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुलेमान खान है और इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। इस एजेंसी की खास बात यह है कि इस एजेंसी के तमाम ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जरिए ऑथराइज होते हैं। IB का चीफ किसी भी ऑपरेशन की रिपोर्ट डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को देता है। इस डिपार्टमेंट का मेन काम पॉलिटिशियन और मुल्क में हो रहे पॉलिटिकल अफेयर्स पर नजर रखना है और इसके अलावा ये इदारा दहशतगर्दों और मुल्क में छुपे खुफिया एजेंट्स को भी पकड़ता है। नंबर 1 पे है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको 1 जनवरी 1948 में बनाया गया था। इस एजेंसी का भी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और इसके डायरेक्टर जनरल नवीद मुख्तार हैं। ISI के डायरेक्टर्स को खास तौर पे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में से चुना जाता है और वो शख्स एक 3-स्टार कमांडर जनरल होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से रिकमेंड किया जाता है। ISI के एजेंट्स पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। ISI के एजेंट्स दुनिया भर में फॉरेन रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये एजेंसी इंटरनल इंटेलिजेंस और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस दोनों का काम बखूबी करती है। पाकिस्तान की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी होने के साथ साथ ISI दुनिया भर की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। दोस्तों, मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।